सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर एकेडमी नीट. यार अमोल कॉन्सेप्ट के कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पर वेरी वेरी क्विकली फिनिश कर लेने वाले हैं. आई नो आप सब थोड़ा थक गए हैं ना. अभी अभी हमने आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर 5 फिनिश किया और उसके बाद वी हैव दिस सेशन ऑन मोल कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम कुछ अच्छे सम रियली गुड क्वेश्चंस, स्पेशली अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए ये तो कोई नहीं बता सकता है कि एग्जाम में एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ना, पर अगर एक यूनिट से हम जितने पॉसिबल अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उनको अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम श्योर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला होगा उसमें भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा, है ना. तो यार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड रुकिएगा, ये बेचारा लैपटॉप भी थक गया है ना, तो फिलहाल तो इट इज नॉट वर्किंग. वो भी नहीं चाहता है कि क्लास हो, बट हाँ कूल. तो ये सब अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं ना. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने, देखो यार क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास. इसका मतलब हाँ जी, आई होप अभी सब कुछ परफेक्ट है यार, है ना. बोलो बोलो. ये देखो लैपटॉप के भी फुल नख रहे हैं, इतना सीधा ये भी नहीं है, मतलब बेचारा थक गया ना ऐसा पूरा दिन से. ऐसा मैंने प्लस क्लास लिया वो भी पूरा 90 मिनट्स, फिर उसके बाद एक और, फिर यार ये सोच रहे हैं अब क्या एक और. हाँ बिल्कुल एक और, है ना. तो एनीवेज अभी तो इट्स ऑल ओके. आई होप मैं आपको क्लियरली दिखाई भी दे रही हूँ, सब कुछ अच्छे से, सब कुछ एकदम परफेक्ट ही दिख रहा है मेरे को तो इधर. तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना. आपके सामने क्या दिया है कि यू हैव 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, है ना. तो देखो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो यार देखो अगर आप में से कोई थक गए हैं, विच आई कैन अंडरस्टैंड, आज तुम्हारी 2 घंटे फिजिक्स क्लास हो गई, फिर उसके बाद आकांक्षा मैम ने एकदम डायरेक्ट स्टार्ट कर दी और ऐसा भारी भरकम से पढ़ाई किया हमने, है ना. अगर आप थक गए कोई बात नहीं, इसको सुबह देख लेना, पर मैं अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर देती हूँ. पर पता है आपको अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ ऐसा साथ साथ करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, है ना. साथ साथ तो बहुत मजा आता है, तो अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वेल एंड गुड. बट आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी थक गए होंगे क्योंकि मेरी ही इतनी सारी क्लासेस हो गई पहले तो, स्पेशली जो प्लस स्टूडेंट्स हैं, और फिर उसके बाद आज चैनल पर भी काफी सारी क्लासेस हुई, बड़ी 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 क्लासेस. सो इट्स ओके, बट देन लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ्स द जोश. रात के 11 बजे कि नहीं, हाँ बजने वाले हैं, है ना. ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास, ये आपको बताना है. 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन आपके पास. यार तुम लोग को ध्यान है मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एग्जामिनर आपको ना लैंग्वेज के साथ फंसा सकता है. इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा कह देंगे कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, जबकि उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है यार, तो वो लिखने का ही दूसरा तरीका है, आपको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. तो यहां पर ये जो आपका ऑप्शन ए है वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है कि आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन है. ठीक है, यू हैव 1 मोल ऑफ कार्बन. अभी इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर क्या कहेंगे कि यार 1 मोल कार्बन का कितना मोलर मास होता है, 12 ग्राम होता है. तो अपना पहला जो ऑप्शन है उसके पास कितना मास है, 12 ग्राम के इक्वल मास है. अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन बी. यार तुम लोग को दिख तो पा रहा है, ऐसे तो नहीं कि यार मैम हमें तो ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहे, है ना. ये लो मैंने थोड़ा जूम कर दिया आपके कन्वीनियंस के लिए, है ना. तो देखिए अभी क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, कहता है कि यार हमारे पास ना 1/2 मोल मीथेन है. तो यार ये तो तुम लोग स्मार्ट हो अभी इतना तो, है ना. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप मास तो फाइंड आउट कर सकते हो. देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, है ना. और मीथेन का मोलर मास विल बी 12+4. Why? Because कार्बन का मास is 12. और फिर आपके पास हाइड्रोजन, यार 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, तो आपके पास 16 आ गया इसका. तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 1/2 एंड ये गिवन मास हो गया डिवाइडेड बाय 16. तो जब आप 16 को इधर लेकर जाएंगे तो आपके पास W कितना आएगा, 16/2 विच इज इक्वल टू 8. तो यहां पर आपके पास मास कितना आ गया, 8 ग्राम. तो भाई पहले ऑप्शन में 12 ग्राम आया, सेकंड में आपके पास 8 ग्राम आ रहा है. अब 8 12 से तो ज्यादा ही है. फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कहता है, कहता है यार कि आपके पास 10 ml वाटर है. अब आप देख लो कि 10 ml वाटर का मास कितना है. इसके लिए यहां पर जरूरत पड़ेगी किसकी, डेंसिटी ऑफ वाटर की. यार तुम लोग भूले तो नहीं हो, मतलब अगर भूल गए ना तो बहुत बढ़िया वाली पिटाई बनती है तुम लोग की, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से आपको सिखाया था कि 1 ग्राम पर ml आपका डेंसिटी ऑफ वाटर होता है. और फिर बचपन से हम पढ़कर आए हैं, पढ़ते आए हैं क्या,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना, ऐसा रट गया ना तुम लोग को। तो बस यार अब तुम्हारे पास डेंसिटी है कितना है 1 ग्राम पर ml, फिर आपके पास वॉल्यूम भी है कितना है 10 ml, और फिर आपके पास ये जो मास है, जो आपका मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 ग्राम, है ना। तो यहां से आपके पास क्या निकल कर आया, यू हैव 10 ग्राम अपना पानी 10 ml वाटर में। तो देखो अपना जो ऑप्शन 1 था यार ये 12 निकल कर आया था, ऑप्शन 2 8 ग्राम, दिस इज अभी 10, तो अभी तक तो अपना ऑप्शन ए ही सबसे ज्यादा मास कैरी कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, जो आपका आखिरी ऑप्शन है और जो आपसे कहता है कि यार हमारे पास ना 3.011 × 10^23 एटम्स है, है ना। तो मेरे को बताओ इतने में मास कितना आएगा, आप इसको सिंपली अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए विच इज 6.022 × 10^23, तो आपके पास कितना आएगा, हाफ आ जाएंगे मोल्स, यहां से आपके पास यू हैव द नंबर ऑफ मोल्स। और एक बार ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो आप जानते हैं कि यहां पर क्या दिया गया आपको, ऑक्सीजन एटम्स दिया गया है, 3.011 × 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आप देख पा रहे हो वाले दोनों ऑप्शन, है ना। तो यार ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मोलर मास 16, कर दो इसको, किधर गया, किधर गया, ये रहा, हाँ जी, तो कर दो इसको यार ऐसा हाफ इंटू 16 मैम, तो मैम 8 आ गया मैम। तो भाई ऑप्शन इज, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर हियर, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मास है। बोलो सबको समझ आया ऐसा अपनी अपनी जगह, रेज योर हैंड कम ऑन, और कह दो कि यस मैम आई समझ, ऑप्शन ए एकदम परफेक्ट है ना। तो यहाँ पर आपके पास द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो यार सब लोग बता सकते हैं, मेरे को पता है, मतलब बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को देख रहा है कैन गिव मी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और क्या पूछा गया आपसे, कि जो आपका मॉडर्न एटॉमिक वेट होता है यार, यानी कि आज जो आपका एटॉमिक वेट स्केल है वो कौन से एलिमेंट पर बेस्ड है, इज इट बेस्ड ऑन हाइड्रोजन, कार्बन 12, कार्बन 14 और कार्बन 16। कम ऑन क्विकली, यहां पर जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि यार वो कौन सा आइसोटोप ऑफ कार्बन है जिस पर हमारा आज का मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल बेस्ड है। आई थिंक विदाउट एनी डाउट, वेरी गुड, शाबाश, कार्बन 12 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि है ही ऐसा, है ना। में ध्यान है कि पहले हमने हाइड्रोजन लिया था, फिर हाइड्रोजन डिस्कार्ड हो गया था क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा था सबका, फिर हमने इतना बहुत सारे पैरामीटर सेट किए थे जिसको कार्बन 12 सेटिस्फाई करता है, तो हमने कार्बन 12 को अपना ऐसा रेफरेंस सेट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि यार जो आपका वेट होता है 1 × 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O का, वो कितना आएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे देखने में बहुत ही ऐसा ओ माय गॉड लग सकता है, पर है नहीं। क्या पूछा है आपसे कि यार 1 × 10^22 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास किसके, कॉपर सल्फेट .COSO4.5H2O के, ठीक है, और इसका मास बता दो कि इतने मॉलिक्यूल्स का कितना मास होगा। कूल, अब देखो यार कॉपर सल्फेट का मोलर मास बताएंगे आप मेरे को कि मोलर मास कितना होता है कॉपर सल्फेट का। यार कॉपर का मास कितना होता है 63.5, प्लस सल्फर का कितना होगा 32, ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 16, है ना, और इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, यू विल ऐड प्लस 18 क्योंकि पानी का 18 ऐड हो जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर है यार, ये मैंने ऑलरेडी किया है, तो जो इसको ऐड कर आएगा दैट विल बी 249.5। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कॉपर सल्फेट .5H2O का इतना मास है, है ना। दैट मींस आपके पास जो मोलर मास है, द मोलर मास ऑफ COSO4.5H2O is how much is कितना है 249.5, है ना। तो यार इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब होता है कि 6.022 × 10^23 molecules of COSO4.5H2O का मास कितना है 249.5 है यार। ठीक है, आया बात समझ। तो फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा है कि भाई 1 × 10^22 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, तो ये तो बता दोगे यार, ये भी मुश्किल है क्या। हाँ देखो इतने का अगर इतना है तो सिंपल यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे। आप कहोगे कि भाई इसका मतलब मैम 1 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 249.5 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10^23 एंड हेंस 1 × 10^22 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा 249.5 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10^23 मल्टीप्लाइड बाय 1 × 10^22 व्हिच इज हाउ मच। करना इसको कैलकुलेट, किसी ने किया है कोशिश, है ना, कोशिश तो कर ही लेना चाहिए, तो 9.15 आता है। ठीक है, बड़ा आसान, 9.15 ग्राम आएगा यार, डन। मुश्किल लगा देखने में पर था नहीं,
1 × 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर का आपने, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का आपने बताना था कितना मास होता है। फिर देखो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान और बहुत अच्छा है। क्या पूछा है यहाँ पर, बोल रहे हैं कि यार वेपर डेंसिटी जो है गैस का दैट इज इक्वल टू 11.2, आप हमें बताओ कि वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम आपका 2.4 ग्राम ऑफ द गैस ऑक्यूपाई करेगा एट STP। क्वेश्चन का मतलब समझ पाया, बहुत जरूरी है देखो क्वेश्चन को पहले डिकोड करना, स्पेशली जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन में क्या गिवन है वो समझे, फिर क्या पूछा है वो हम देखते हैं ना। तो वहीं से अप्रोच बनता है, यहां पर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है। देखो यार उन्होंने ऐसे बोला है कि भाई अपना जो वेपर डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 11.2, और फिर उसके बाद और भी कुछ दिया है ना, क्या दिया है मास। देखो उसके बाद जो आपका गिवन मास है वो कितना है, 2.4 ग्राम है भाई। ओके अब क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपने, यू आर सपोज टू फाइंड आउट दी वॉल्यूम। तो भाई ये तो बड़ा आसान है, कैसे करेंगे आप, देखिए आप जानते हो कि अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन होता है कि आपके पास गिवन वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम एट STP व्हिच इज 22.4 लीटर। ऐसा ही करते हैं अब यहां पर आपके पास क्या आएगा, देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। तो यहां से आप ये जो भी गैस है उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। तो देखो यार यहां से वेपर डेंसिटी 11.2 है, मल्टीप्लाई दिस बाय 2, यू विल हैव द मोलर मास ऑफ दिस गैस व्हिच इज हाउ मच, 22.4 हो जाएगा। ठीक है 22.4 हो गया, अब तुम्हारे पास यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, 22.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, देखो यहां पर क्या लिखा है 2.4 ग्राम है आपका गैस। तो दिया है किधर गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास है ना, यू हैव बीन गिवन द मास एज 2.24 ग्राम, और आपके पास ये मोलर मास यहां से वेपर डेंसिटी वाले एक्सप्रेशन से कितना निकल कर आया, 22.4। तो ये कितना है 22.4, तो यार ये तो मुझे लगता है 1/10 आ जाएगा है ना, 10 ही तो आएगा, 1/10 या कुछ और हो जाएगा, नहीं नहीं 1/10 ही आएगा। तो बस अब तो हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप 1/10 लिखिए, फिर वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा अगर आप 22.4 को इधर लेकर जाएंगे है ना, तो आपके पास यहाँ पर ये 22.4 इधर आ गया, तो भाई कितना बचा, 2.24 लीटर बचा कि नहीं। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी। मुश्किल आसान था यार, देखो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया, वंस यू हैव द मॉलिक्यूलर वेट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, एंड वंस यू हैव द नंबर ऑफ मोल्स विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम जो आपका 2.4 ग्राम ऑफ द गैस ऑक्यूपाई करेगा। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि यार कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, अगर आप लोगों के पास 4.25 ग्राम्स ऑफ अमोनिया है तो वो कितना मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। आई थिंक दिस इज वन वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम पता कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, याद करिए वही वो जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, फ्लो चार्ट में हमने आपका विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन मास, वॉल्यूम, ये तीन पैरामीटर्स के हेल्प से आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, और वहां मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपने कैलकुलेट करना है सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, पर यहां आपके पास सीन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास यानी कि 4.25 डिवाइडेड बाय 17, 17 क्या है इधर मोलर मास ऑफ अमोनिया दिख रहा है कि नहीं, है ना NH3 दिया है उसका मोलर मास 17। ओके बस कर दो इसको ऐसा 6.022 लाला, और क्या होगा बताना एक बारी कितना आता है कैलकुलेट कर, वी विल हैव दिस, मतलब लेट मी चेक, क्योंकि इतना जल्दी तो ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूं है ना, 1.5 × 10^23, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। एक बार क्रॉस चेक करना, जितना भी क्वेश्चंस मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं आप लोगों के लिए, मेक श्योर कि आप उसको खुद भी कर देखें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यार बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, लेट मी अनाउंस द नेम, हूएवर इज गोइंग टू लॉक द राइट आंसर हियर, आई मीन हूएवर इज गोइंग टू आंसर मी करेक्टली इन द चैट सेक्शन, उसका नेम हम करेंगे अनाउंस, कम ऑन क्विकली, और ऐसा अच्छे से लिखना कि इतने सारे स्पैम के बीच भी आपका आंसर मुझे नजर आए, बताइए।
हाँ वेरी गुड वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, देखो महेश ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है भाई, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स है हर एक केस में, क्योंकि देखिए ना अभी मैं आपको ऑप्शन ए और बी के हेल्प से समझा देती हूँ। अगर आप ऑप्शन ए की बात करते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि आपके पास ना 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 1/16 आ जाएगा, 1/16 जब आप करेंगे तो 0.0625 निकल कर आता है, ये क्या है आपके पास मोल्स आ गया भाई, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 × 10⁻², कितना आएगा तुम्हारे पास ये 3.76 × 10⁻²² आ जाएगा, ठीक है, × 10⁻²² एटम्स यहां से आपके पास निकल कर आएंगे। अभी अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पूछा है ना ग्रेटेस्ट नंबर किस में निकल कर आएंगे, तो हमें सबका ही 1 by 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट में क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे यार बताने एक बारी, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 1 ग्राम O2 दिया है, ये देखो 1 ग्राम लिखा है, O2 है यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो O2 का तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32, 1/32 आप करेंगे तो आएगा 0.0313 मोल्स, यहां से ये आपके पास निकल कर आया। अच्छा यार एक बात बताओ, यहां पर ये किसके मोल्स निकल कर आए हैं, ऑक्सीजन गैस के O2 के, मतलब जब वो डायटोमिक फॉर्म में है, तो अगर इसमें मैं एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करती हूँ, सो इफ आई मल्टीप्लाई 6.022 × 10⁻²³ टू दिस, मेरे पास बताना क्या निकल कर आएगा यहां से, बता दो प्लीज, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आएंगे, लेकिन आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, एटम्स पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितने कंटेन करता है, 2 एटम ऑक्सीजन के कंटेन करता है, तो यार यहां पर आप लोगों के पास पता है इसको करोगे तो इंटरेस्टिंग बात यह कि सेम ही निकल कर आएगा, 3.76 × 10⁻²³ निकल कर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे आपके पास लास्ट ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, 1 ग्राम दिया है तुम्हें ट्राइटोमिक फॉर्म में, ओजोन दिया है O3, तो भाई उसका 64 हो गया, है ना, 64 नहीं होता मैम 48, अरे भाई 3 × 16 = 48, तो यार ये निकल कर आएगा आपके पास 0.0208 मोल्स, अब ये क्या है मोल्स आए, है ना, सो यू हैव दी moles, multiply this by your Avogadro number and you have whatever, ठीक है, 3.76 × 10⁻²³ ही आएगा, when you multiply this by 3 से आपको multiply करना पड़ेगा, क्योंकि number of atoms की बात हुई है, number of molecules आएंगे यहां से, इतना जो मैंने किया है इससे तो number of molecule आ जाएगा आपके पास, कि O3 के कितने आपके पास molecules है ना, but क्योंकि 1 molecule of O3 contains 3 atoms of oxygen, therefore in order to find out the number of atoms कितने हैं oxygen atoms, you will have to multiply the end result by 3, then you have the number of atoms जो आपके O3 के अंदर है, तो you have 3.6 × 10⁻²³. So surprisingly, हर एक केस में आप देखिए, for each case we have the same number of atoms which is equal to 3.76 × 10⁻²³ है, ठीक है, सभी केस में, इसको भी 22 बना लो और इसको भी, तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन की नहीं, देखो यार यहां पर आपके पास ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज फॉर ऑल 3 केसेस वी हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कूल, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं कि यार कैफीन होता है, कैफीन किधर होता है, टी में, टी और कॉफी में, सब में कैफीन होता है, उसके बारे में इन्होंने बोला है कि जो आपका कैफीन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 194, फिर उसके अंदर 28.9% बाय मास क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, तो आपको ये बताना है कि भाई एक कैफीन के अंदर, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, कैफीन की बात कर रहे हो, तो कैफीन में, कैफीन के 1 मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, है ना, कैफीन एक कंपाउंड ही तो है, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एक कॉम्पोजिशन होता है, तो वो पूछ रहे हैं कि एक कैफीन मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, वेरी इजी है, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, आपने पढ़ा था मास परसेंटेज, तो अगर मैं कैफीन के अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करती हूँ तो कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय बताओ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
या फिर मोलर मास भी आप लिख सकते हो, किसका? कैफीन का. एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100 बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द परसेंटेज हियर. ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है भाई? देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 28.9. मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है जल्दी से बताएंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है. फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैफीन 194 दिया है आप लोगों को. यहां पर आप 14 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप 14 लिखेंगे इसका मतलब आप खुद ही बोल रहे हो कि कैफीन में एक एटम है नाइट्रोजन का. हमें तो पता ही नहीं है कैफीन में कितने एटम है नाइट्रोजन के, है ना? तो चेक करते हैं कि कितना मास निकल कर आता है, उसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे कि यार कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैफीन विल बी इक्वल टू व्हाट? 194, यहां पर मल्टीप्लाई दिस बाय 100 एंड यहां आपके पास x आ जाएगा. तो बेसिकली व्हेन यू या इसको जब आप फाइंड आउट करोगे, यू विल हैव 56 एज योर आंसर. दैट मींस आपके पास जो यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन है किसके अंदर भाई? कैफीन के अंदर. जब हमने चेक किया तो निकल कर आया कि आपके पास 56 ग्राम प्रेजेंट है किसका? नाइट्रोजन का. अब यार ये सब तो ठीक है ना, 56 ग्राम का मतलब क्या हुआ? देखो अगर एक एटम प्रेजेंट होता नाइट्रोजन का तो वो कैरी करता 14 ग्राम मास. अगर मास 56 बन रहा है तो इसका मतलब वहां पर 56/14 इज इक्वल टू 4 एटम्स रहे होंगे किसके? नाइट्रोजन के. किसके 4 एटम्स होंगे आपके पास? नाइट्रोजन के. सिंस कैफीन में टोटल जो मास निकल कर आ रहा है नाइट्रोजन का वो 56 है, तो यार उसको नाइट्रोजन के एक एटम के मास से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा कितने एटम्स हैं. ये मतलब ओहो बहुत मुश्किल नहीं है, है ना? तो क्योंकि मैं इसको अकेले अकेले सॉल्व कर रही हूं तो ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन ये बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, है ना? ये सबको आना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुश्किल नहीं था. दिस इज वन क्वेश्चन विच हैज बीन डिस्कस्ड एज इट इज इन द क्लास, है ना? मैंने आपको बिल्कुल क्लास में सॉल्व कर दिखाया था. प्रोबेबली वहां 3.4% की जगह 3.2% लिखा हुआ था. तो हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने वहां पर जो आपका डेटा था दैट वॉज स्लाइटली डिफरेंट, और यहाँ पर 3.4% की जगह 3.2% लिखा था. पर यह भी कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे. जो आपको गिवन होता है उसी के हेल्प से आप अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो इंसुलिन जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, इंसुलिन में कितना, इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा वो आपसे पूछा है. तो देखो भाई परसेंटेज ऑफ सल्फर चेक कर लीजिए आप. परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ सल्फर, ठीक है, इस कंपाउंड में कितना है, डिवाइडेड बाय दी मोलर मास किसका? इंसुलिन का. और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 100, क्योंकि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है इधर की नहीं. तो देखो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, 3.4%. मास ऑफ सल्फर कितना है? 32 है. 32 ही लेना है, ठीक है? पता है क्यों लेना है 32? क्योंकि हमें तो पता नहीं कितना सल्फर एटम है आपके इंसुलिन के अंदर. तो हम मिनिमम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं. Why we have assumed minimum value as 1? क्योंकि हमें वो लिबर्टी मिला है क्वेश्चन में. उन्होंने पूछा है हमें कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताइए, है ना? दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड, कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इंसुलिन का. तो क्योंकि मिनिमम पूछा है तो यार 32 ले लो उसको, और फिर यहां पर आपके पास मोलर मास ऑफ इंसुलिन निकल कर आ जाएगा, ये 100 है. तो देखो मोलर मास ऑफ इंसुलिन विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 3.4 इनटू 100 व्हिच कम्स आउट टू बी 941.176 एंड हेंस ऑप्शन ए कम्स आउट एज योर राइट आंसर हियर. ठीक है, ऑप्शन ए अपना सही आंसर. ये तो बता दो यार, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना, इतना आसान क्वेश्चन. ओहो मतलब वेरी वेरी आसान है ना. देखिए क्या पूछा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैन बी वेरीफाइड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड. इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर पाएगा, बताइए, बोलो जी. हाँ ऑप्शन टू, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पूछा है आपसे. सो आई थिंक ये क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट को करेक्ट आंसर करना चाहिए, बिकॉज मैंने बिल्कुल यार ऐसा एग्जाम्पल लेकर ही आपको यू नो डिस्कस कराया. तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट सेक्शन में आफ्टर दिस सेशन गेट्स ओवर मेक श्योर आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे, ठीक है? सो आई विल चेक आप लोग क्या लिखते हैं कॉमेंट सेक्शन में फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज वन वेरी सिंपल क्वेश्चन एज इट इज. सेम एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिखा उसके साथ ही मैंने आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझाया भी है. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कहता है कि यार आपके पास जो ये रिएक्शन लिखा है ना, वैसे तो ये अपना वेरी वेरी पॉपुलर कौन है, पॉपुलर हेबर्स प्रोसेस है ना, N2+3H2 गिव्स 2 अमोनिया. फिर यहाँ लिखा है कि जो आपका रेशियो बाय वॉल्यूम है नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया का दैट इज 1:3:2. दिस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ, यहां पर बस ये तो सबको ही समझ आ रहा है
कि आपके पास N2H2 और जो अमोनिया है वो 1:3:2 के रेशियो में प्रेजेंट है ना. तो इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं आप, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या गैशियस वॉल्यूम. तो आई होप यू ऑल रिमेंबर गेलियस एक्स लॉ हमने पढ़ा था जो आपको कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम. यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा ईच स्पीशीज का, वही सेम रेशियो विल बी फॉलोड बाय द वॉल्यूम ऑफ दोज गैसेस है ना. तो यहां पर आपके पास ऑप्शन डी कम्स आउट एज योर राइट आंसर. नेक्स्ट देखो यार, ये तो सब बता दो, ये मैंने स्पेशल क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किया है. क्या लिखा है, आपके पास दो फ्लास्क है ए और बी. तो देखो ऐसा फ्लास्क नंबर ए, सॉरी नंबर वन, नंबर ए क्या होता है देखो अमोनिया, और दूसरे वाला जो आपका फ्लास्क है उसमें भाई आपको SO2 मिला हुआ है. बोल रहे हैं कि दोनों को बिल्कुल सिमिलर कंडीशन पर रखा है, आप ये बताइए कि कौन से वाले कंटेनर में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो मतलब उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया कि किसका कितना मास लिया, हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ कहा है कि दोनों का बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है. सिमिलर कंडीशन है मतलब प्रॉबेबली हमने दोनों का सेम ही मास लिया है, दोनों को एक ही तरह के एटमॉस्फेयर में रखा गया है. अब भी आपको बताना है कि किसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वैसे, गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है, अब मास गिवन तो कोई है नहीं, दैट मीन्स वी कैन अज्यूम कि आपका दोनों का सेम ही मास लिया गया होगा, लेकिन मोलर मास तो आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो यार. तो यहां पर अगर मोलर मास की बात करते हैं, अमोनिया का कितना होता है 17 और SO2 का कितना आएगा 64. तो यार यहां आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलर मास, यानी कि मोलर मास जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स उतने कम. तो इधर मोलर मास किसका ज्यादा है, SO2 का ज्यादा है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स किसके किसके कम होंगे, SO2 के. तो ज्यादा किसके हुए, अमोनिया के. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है ना. हाँ जी, क्योंकि आपका जो ए वाला कंटेनर है उसमें कौन है, अमोनिया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान. क्या पूछा है, आपके पास एक ऑक्साइड है सल्फर का विच कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर इन इट. द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, क्या बोल रहे हैं आपको कि यार देखो अपने पास एक ऑक्साइड है सल्फर का, SOX लिख देते हैं, क्योंकि जो ऑक्साइड है उसमें हमें पता नहीं है कि आपके पास कितने सल्फर एटम्स हैं, राइट. और उन्होंने कहा है ये जो आपका ऑक्साइड है इसके अंदर 50% कौन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है. यार क्या प्रेजेंट है, 50% सल्फर प्रेजेंट है. अब आप हमें बताइए कि यहां पर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा. तो बड़ा आसान है, बता पाना, मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फाइंड आउट करना होता है, एंड व्हाटएवर बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स द सेम कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ एटम्स आल्सो. दैट मींस यहां पर सल्फर की अगर आप बात करते हो तो यार ये कितना हो जाएगा 50/32, और ऑक्सीजन का मास, यार देखो अगर 50% सल्फर है इसका मतलब बाकी का 50% कौन है, ऑक्सीजन है. तो यहां पर अगर 50 ग्राम ऑफ सल्फर है तो बाकी बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन है. वी हैव 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 50 को आप किससे, 16 से डिवाइड कर देंगे. नाउ आपके पास 50/32 कितना आता है यार, किसी ने किया है इसको, लेट मी चेक व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रेशियो. बट देन तो देखो यहां पर आपके पास रेशियो निकल कर आ जाएगा ऑल इन ऑल. ऐसे आप कर सकते हो अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का, और भी जल्द आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपको क्या दिया गया है कि आपके पास 50% ऑफ सल्फर है. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 50% अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला लिखती हूँ है ना, मास परसेंट ऑफ सल्फर का अगर आप फॉर्मूला लिखते हो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो आपका ऑक्साइड है, मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज अभी आप बात कर रहे हो किसका, परसेंटेज का, तो भाई 100 तो कहीं जाएगा नहीं, 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. तो आपके पास मास ऑफ सल्फर कितना, सॉरी मास परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना दिया है, 50% दिया है. तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32. मास ऑफ पूरा का पूरा ऑक्साइड कितना है हमें नहीं पता, तो कर लो यार कैलकुलेट इनटू 100. तो यहां से मोलर मास आपका निकल कर आएगा 64. अब आप चेक करिए कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपके पास 64 आपका मोलर मास निकल कर आ रहा है. मेरे ख्याल से ऑप्शन ए से ही बात बन जाएगी, क्योंकि देखो भाई सल्फर का 32 और दो ऑक्सीजन है, 16 × 2 कितना, 32 + 32 = 64. तो बस रुक जाइए और ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपसे देखिए क्या पूछा है, अ कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, दिस इज तो वेरी इजी. क्या करना है यहाँ पर, कार्बन और हाइड्रोजन का इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए हमारा क्या अप्रोच होता है, इनफैक्ट यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है ना.
हमारा अप्रोच क्या होता है, हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं. फाइंड आउट करिए आप यहाँ पर मोल्स. तो यार क्योंकि ये 80% दिया है, दैट मींस ये जो भी हाइड्रोकार्बन है, अभी सिंस उन्होंने मेंशन किया है वी हैव हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है नहीं, और यहाँ पर आपके पास इसका मतलब 80 ग्राम कार्बन है और बाकी का 20 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है. तो 80/12 और 20/1 हो जाएगा कि नहीं. अच्छा 80/12 कितना बनता है, करकर देखना इसको, ये आएगा आपके पास 6.67 और ये तो ऑलरेडी 20 है, तो ये आपके पास मोल्स का रेशियो आया. अब आप क्या करेंगे, यहां पर यू विल डिवाइड दिस बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, मतलब यहां से आप सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करते हो. तो पता है सिंपलेस्ट रेशियो कैसे होगा, भाई ये सबसे छोटा नंबर है दोनों में, तो आप दोनों को 6.67, इसको भी 6.67 से डिवाइड करिए. ये मैंने सब सिखाया है क्लास में, है ना. तो यहाँ क्या आएगा, 1:3 का रेशियो आएगा अप्रोक्सीमेटली. सो वेन यू हैव 1:3 का रेशियो, तो आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया है, इंपीरिकल फॉर्मूला है CH3. नाउ CH3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ दीज. यहाँ पर आपके पास देखो, ये तो पक्का नहीं हो सकता, इसमें ऑक्सीजन आ गया, एल्कोहल दिया है, इथेनॉल दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. फिर उसके बाद C6H6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C1H1 होगा, है ना. यहाँ 1:1 का रेशियो है. C2H4 में 1:2 का रेशियो है. केवल C2H6 है जहां आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का रेशियो क्या नजर आ रहा है, 1:3 नजर आ रहा है. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन. अच्छा यार ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है बड़ा आसान है और आप सब आंसर कर पाएंगे. देखो क्या पूछा है, बताओ मेरे को एक बार ही, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. सोचिए और बता दीजिए. ये तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा मेरे को, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है. मैं दिख रही हूं तो, हाँ दिख तो रही हूं यार. ठीक है बताइए क्या लिखा है. इन अ गैशियस रिएक्शन ऑफ द टाइप दिस, आपके पास ये एक रिएक्शन है. बोल रहे हैं कि यार इनमें से कौन सा स्टेट गड़बड़ है, विच इज रॉन्ग. तो पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है, A लीटर, ठीक है, A लीटर ऑफ A कंबाइंस विद B लीटर ऑफ B टू गिव C लीटर एंड टू गिव C एंड D, विच इज ट्रू. यहां पर आपको पता है कि जो भी आपका स्टोशियोमीट्री में होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है. और ये जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दे डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स. तो इसका मतलब इतना वॉल्यूम के रेशियो में वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है. फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, A mole of A combines with B mole of B to give C and D, which is again true. Stoichiometry also corresponds to the number of moles. तो यहां पर A का A moles, B का B moles आपस में मिलकर C और D दे रहे हैं, एकदम ठीक बात. ऑप्शन D C पर आइए, A gram of A combines with B gram of B to give C and D, ये तो गड़बड़ है. देखो यार आपके पास अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है, आगे चाहे जो भी बन रहा है, आप यहां पर क्या कहेंगे कि आपके पास A moles हैं, A के A moles रिएक्ट कर रहे हैं, A moles of A प्लस B moles किसके हैं भाई, B के. तो आप मोल्स तो बोल सकते हो कि स्मॉल है और स्मॉल बी है, लेकिन मास थोड़ी ना है ये. मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई स्मॉल ए विद दी मोलर मास ऑफ ए. आपको इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास ये ग्राम में आएगा कि यार इतना ग्राम ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद इतना ग्राम ऑफ बी. तो यहां पर ये हाफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपको ए तो नंबर ऑफ मोल्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस ए विद दी मोलर मास, देन यू हैव कि आपका कितना ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्राम्स में. तो यहां पर अगर आपने इसको इससे किया होता तब तो ठीक था, बट अभी फिलहाल के लिए दिस इज गड़बड़. लास्ट ऑप्शन ठीक ही लिखा है क्योंकि उन्होंने मॉलिक्यूल्स की बात की है, जो एकदम परफेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. अरे देखो वेरी सिमिलर क्वेश्चन वी हैव, स्टोशियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन यहां पर ये दोनों ही. देखो क्या लिखा है कि आपके पास ये एक रिएक्शन है. अब इस रिएक्शन के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं सो दैट आप लोग पूरा क्वेश्चन देख पाए. अब भाई ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, यही पूछा है ना. हां जी, तो देखो ये वाले क्वेश्चन के लिए इधर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप देखिए यहाँ 2 moles एल्यूमिनियम का आर रिएक्टिंग विद 3/2 moles ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 1 mole ऑफ दिस Al2O3, राइट. बिल्कुल ठीक ऐसा ही लिखा है आपके पास ये वाले में, ऑप्शन में 2 gram. हाँ जी, नहीं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, है ना, क्योंकि यहाँ तो ग्राम्स में बात किया उन्होंने, विच इज नॉट राइट. ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी. क्या लिखा है देखो कि भाई 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3/2 moles ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू दिस. आहा, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन है. मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कि कैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, उसी को जरा अप्लाई करिए एंड यू विल हैव योर आंसर. सोचिए एक बारी,
सोचिए सोचिए और हमें आंसर बताइए। इसी के साथ पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, है ना, टेलीग्राम पर नाम से ढूंढिएगा, मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। ऑप्शन डी, एक तो सही ऑप्शन पढ़ पाना ही बड़ा मुश्किल है इधर, है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव। ओके, देखो यार, यहाँ पर ना आपको क्या करना होता है, जब भी एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है, प्रोडक्ट में तो भाई कुछ भी बन जाए हम क्या करें, है ना, अब बनने के लिए तो कुछ भी बन सकता है। अभी जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको बोलना है कि देखो केवल पहला ऑप्शन कह रहा है कि यार केवल सल्फर और वाटर बच जाएंगे आपके वेसल के अंदर ये रिएक्शन खत्म होने के बाद, अगर ये रिएक्शन होगा जिसमें H2S इज रिएक्टिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव यू 3 सल्फर एंड वाटर। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि रिएक्शन खत्म होने के बाद सल्फर और वाटर बचेगा वेसल के अंदर। फिर बोल रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में कि यार देखो H2S तो एक्सेस में रह जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि आपका जो SO2 है दैट विल रिमेन इन एक्सेस। तो बेसिकली आपको क्या बताना है कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो आपके पास ये 2H2S प्लस क्या दिया है, SO2 दिया है। लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, हम कहते हैं कि पहले आप चेक कर लो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो देखो H2S के आपको कितने मोल्स गिवन है, यहाँ पर H2S के उन्होंने बोला है कि आपके पास 1.5 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स हैं। सो यू कैन डिवाइड दिस बाय 6.022 × 10⁻²³ एंड यू विल हैव नंबर ऑफ मोल्स, आपके पास 0.025 नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे यहां से किसके, H2S के। फिर इसके बाद SO2 के कितने आएंगे, 1.6 को आप 64 से डिवाइड करिए, यहां से आपके पास आएगा 0.025। तो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि दोनों का ही सेम नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ रहे हैं, है ना, यहां पर दोनों के मोल्स तो सेम निकल कर आए हैं, पर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए वी नो दिस ट्रिक कि आप उसको स्टोशियोमेट्री से डिवाइड करते हो। तो यहां H2S का स्टोशियोमेट्री इज 2, डिवाइड दिस बाय 2, और ये इसका स्टोशियोमेट्री इज 1, तो आप इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आपके पास ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू कम आएगी, देयरफॉर H2S इज योर लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस में बच ही जाएगा। अब जब ये इससे ज्यादा है तो ये आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया। इसका मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बचेगा और H2S पूरा कंज्यूम हो जाएगा और H2S नहीं बचेगा बिकॉज दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपके पास यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है कि यार H2S आपका SO2 एक्सेस में बचेगा। H2S कैसे बच सकता है, वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले ही खत्म हो जाएगा, ये भी गड़बड़ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हियर, और ये भी बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना, सेम कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, इंपिरिकल फॉर्मूला। पहले आप सबका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करिए, जो भी मोल्स का रेशियो आता है दैट कोरिस्पोंड्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड यू विल हैव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूं, वैसे यहां पर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन करना है और फाइंड आउट इनका जो भी है मोल्स। कार्बन का कितना आएगा 38.8/12, हाइड्रोजन का कितना आएगा 16/1 और नाइट्रोजन का कितना आएगा 45.2/14। तो यहां से आपके पास आएगा 3.23, इधर आएगा 16, इधर आएगा 3.22, सो यू विल हैव दिस। और इसमें सिंपल रेशियो तो आया नहीं, ऐसा तो कभी फॉर्मूला होता नहीं है ना कि C 3.2222, ऐसा कुछ कुछ तो होता नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है आपका। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस यू विल डिवाइड दिस ऑल थ्री ऑफ दिस विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज 3.22 हियर। तो सबको आप 3.22 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 1:5:1 के रेशियो में आएगा। मतलब फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा CH5N। अब ये तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो इसको बेटर रीअरेंज किया जा सकता है CH3 as CH3NH2। आप देखिए यहां पर कार्बन एक ही है, नाइट्रोजन एक ही है, बट वी हैव 4 हाइड्रोजन एटम, दिस इज मिथाइल अमीन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये कौन था, मिथाइल अमीन था। आई होप इतना सबको समझ आया है ना यार। और भी क्वेश्चन है क्या अभी, ठीक है, ओके। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं सिंस इट इज वेरी लेट नाउ, है ना, तो जितने भी आपके बाकी के क्वेश्चन हैं आई विल फॉरवर्ड द PDF ऑन टेलीग्राम, मेक श्योर कि आप वहां से देखें और उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि यार मैम ये नहीं हो पाया या जो भी आपको नहीं समझ आए, या फिर हम स्पेशल क्लास में तो मिलते ही हैं, कल आपकी स्पेशल क्लास वैसे भी है, वी हैव दी स्पेशल क्लास एट 12:15 PM, तो आप कल भी आ सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपको मुश्किल लगे, ठीक है।
यार ये बहुत इजी है, इसी लेकर आ रही हूँ मैं, दिस इज वेरी इजी, आप आराम से बता सकते हो। देखो बोल रहे हैं कि H2 और Cl2 है, ये लोग आपस में कंबाइन कर कर ऑब्वियसली क्या देते हैं, 2HCl, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब वो बोल रहे हैं कि यार एक बात बताओ, अगर हमने 22.4 लीटर हाइड्रोजन लिया हो और 11.2 लीटर क्या लिया हो, क्लोरीन लिया हो, तो आप हमें बताओ कि कितना मोल्स बन जाएगा HCl का। तो देखो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ HCl, है ना। व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन इट विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ HCl। तो आप चेक करिए कि अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट इज हियर गिवन टू यू, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना मोल्स है हाइड्रोजन का, कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर, डिवाइड करिए इसको बाय 22.4, यानी कि 1 मोल है आपके पास, सही है। और 11.2 को 22.4 से डिवाइड करोगे तो भाई हाफ मोल है, यानी कि 0.5 मोल। तो देखिए 1 मोल व्हेन रिएक्ट्स विद हाफ मोल, तो इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब देखो यार ये तो पूरा बेचारा रिएक्ट करना चाहता है, पर इसका ये तो नहीं, इसका तो मूड नहीं है, ये तो आधा ही है, मतलब जितना आपका स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए था उससे कम है। देयर इज वन लिमिटिंग रिएजेंट हियर, सो द लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो देखो अगर 1 मोल क्लोरीन का 2 मोल HCl देता है, ठीक है, अगर क्लोरीन का 1 मोल अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन 2 मोल HCl देता है, तो अगर इसका आधा ही मोल होगा तो एक ही मोल मिलेगा ना HCl का, वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ HCl, देयरफॉर ऑप्शन ए बिकम्स योर राइट आंसर हियर। सो दैट वाज इट, यहां तक हमने आपके काफी सारे अच्छे-अच्छे गुड क्वेश्चंस डिस्कस किए फ्रॉम मोल कांसेप्ट। वी हैव मोर क्वेश्चंस, है ना, सम ऑफ देम आर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम कल कर लेंगे स्पेशल क्लास में, मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर देती हूँ, काफी लेट हो गया है ना, आज बहुत सारी क्लासेस हो गई मैम, बट सिंस इट वॉज स्केड्यूल्ड एंड ये एक्चुअली पुश हो गया आपका, अदरवाइज दिस वॉज सपोज टू बी आज दिन में, है ना, लेकिन आप फिनिश तो करना ही था, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो एनी वेज इसको हमने किया, और बताना मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कहीं कोई अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो, और बाकी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको कल सुबह देखने वाले हैं, तो यार आप लोग क्वेश्चन को प्लीज खुद लिख कर 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 देखिएगा, ऐसा नहीं बस मैम बोल रही हैं और सुनते जा रहे हैं, ठीक है, खुद से कर कर देखना है तभी आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, तो मेक श्योर आप उस तरीके से करें, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।